मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर ईंट भट्टा कामगार यूनियन के द्वारा पहुंचकर खतौली क्षेत्र में स्थित भट्टों पर कार्य करने मजदूरों की शासन देश के द्वारा निर्धारित मजदूरी दिलाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार भट्टा मालिकों के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और जो मजदूरी तय की जाती है उसे वह नहीं देते और उनके साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि जो शासन देश के द्वारा निर्धारित मजदूरी तय की गई है वही मजदूरी उन्हें दिलाई जाए, जिससे कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मामला ये है जी, इन लोगों ने भट्टे पे काम किया है, ये निजामपुर में पड़ता है, विशाल निजामपुर, इन्होंने वहाँ पे थाई का काम किया है। शासन आदेश के अनुसार 640 का रेट निकला है, वो जब इन्होंने मांग की तो देने से मना कर दिया, उसने कहा हम अपनी मर्जी से देंगे। किस तरह का काम करते हैं ये? पथाई का, ईंट पथाई का। क्या मांग थी आपके? हमारी मांग ये है कि जो शासन आदेश से रेट आया है उसी के अनुसार भुगतान कराया जाए। कितने रुपए दे रहे हैं? वो तो बहुत कम देना चाहते, वो तो चाहते हैं 500 रुपए में ही टल जाए। हमारा कहना है कि 640 जो शासन आदेश आया सरकार ने भेजा है उससे भुगतान किया जाए। कौन से थाने का मामला? ये थाना पड़ेगा मंसूरपुर। हाँ, अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं 640 का भुगतान करा जावे, अगर नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं तो हम यहाँ धरना आंदोलन करेंगे। कितने लोग हैं इसमें? काफी लोग हैं, 25-30 लोग तो फिलहाल यहाँ आए हैं, और भी आएंगे, फिर बहुत जगह ऐसी हरकत कर रहे हैं भट्टा मालिक, उनको भी आंदोलन में उतारेंगे अगर ये भुगतान नहीं करते हैं। अब अगला कदम क्या रहेगा? अब देखते हैं, इसके बाद कदम उठाएंगे, अगर भुगतान होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद नई नीति बनाएंगे।